तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। अब देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कॉइल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, आपने देखा होगा आपके घरों में इलेक्ट्रिक टोस्टर होगा, और इलेक्ट्रिक आयरन्स होंगे जिसको यूपी में हमारे प्रेस बोला जाता है, कपड़े प्रेस कर दो। ठीक है ना, तो ये देखिए एक इलेक्ट्रिक आयरन हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और फिजिक्स में हम कॉइल को कैसे दिखाते हैं, कॉइल का मतलब बच्चों समझो ना कि कोई हीटिंग एलिमेंट लगा होगा अंदर, क्या लगा होगा, कोई हीटिंग एलिमेंट लगा होगा जो गर्म हो जाता होगा, उसी को ये लोग कॉइल बोल रहे हैं। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट ये देखिए हमने लगाया हुआ है, इसको बोला है हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, ये देखिए नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, एलॉय होता है। कुछ बच्चे नहीं समझते हैं एलॉय क्या होता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया हुआ है। एलॉय क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम लोग मिक्स कर देते हैं। कैसे मिक्स करते हैं, अब जैसे नाइक्रोम एक अलॉय है, नाइक्रोम एक अलॉय है। देखो बच्चों, आयरन एक प्योर मेटल है, आपको पता है आयरन आयरन है, ठीक है, निकल निकल है, वो एक प्योर मेटल है। लेकिन दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियसली मिक्स कर देते हैं, होमोजीनियसली मतलब सबका जो कंपोजिशन है थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अलॉय, अलॉय बन जाता है। जैसे कि बच्चों नाइक्रोम, नाइक्रोम एक अलॉय है जो कि निकल, Ni का मतलब निकल, Cr का मतलब क्रोमियम, Mn का मतलब मैग्नीज, Fe का मतलब आयरन, ठीक है ना। तो इतने सारे मेटल्स हैं, चेक कर लीजिए, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन को मेल्ट कर दिया, अच्छे से सबको मिक्स करके छोड़ दिया, ठंडा होकर जो सॉलिड आपको मिला उसको उन्होंने क्या बोल दिया, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम एक अलॉय है विच इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये देखिए एक अलॉय यहाँ पर लिया है, अलॉय का इन्होंने हीटिंग एलिमेंट यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये देखिए प्लस वाली वायर आई हुई है और यहाँ से माइनस वाली वायर आई हुई है और बीच में क्या लगा दिया इन्होंने, हीटिंग एलिमेंट। अब प्लस वाले से बच्चों करंट ऐसा एंटर करेगा और करंट ऐसा एंटर करेगा तो ये हीटिंग एलिमेंट में से नाइक्रोम की जो एलिमेंट है, नाइक्रोम की जो कॉइल है, इसमें से होके जाएगा। यहां से करंट एंटर करेगा प्लस से और ऐसा माइनस से निकल जाएगा। कहां से होते हुए निकलेगा करंट बच्चों बताइए, ये हीटिंग एलिमेंट से निकलेगा। करंट निकलने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का चलना। अरे भाई फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चलना। आप सोचो जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे बच्चों और हम इलेक्ट्रॉन के रास्ते में अगर कोई ऐसा एलिमेंट लगा दें, कोई ऐसी कॉइल लगा दें जिसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो जाए। रेजिस्टेंस हाई होने का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब चले तो डिफरेंट टाइप के आयंस और एटम से टकराए, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ज्यादा कोलिजंस होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन चलते हुए आ रहे हैं जब वो टकराएंगे रास्ते में, बात समझो ना, ये जो नाइक्रोम की एलिमेंट है इसके अंदर बहुत सारे एटम्स और आयन्स हैं, इससे जब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे अंदर तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, वो आएगा हीटिंग एलिमेंट में से निकलेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, हीट में। कब चेंज होगी सोचो, जब वो ज्यादा कोलिजन करेगा अंदर, ज्यादा टक्कर करेगा, यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस महसूस करेगा, यानी कि हीटिंग एलिमेंट जो होते होंगे उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तभी वो हीट होगा, बात समझे। अगर रेजिस्टेंस ना हो बच्चों इसका अच्छा, तो सोचिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और चुपचाप ऐसा ज्यादा टक्कर तो खाएगा नहीं, निकल जाएगा। तो अपनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है, उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन के कारण जो एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपनी ज्यादा एनर्जी लूज नहीं कर पाएगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो वो हीट के फॉर्म में चेंज ही नहीं होगी, तो कहां से गर्म होगा बताओ ये। तो आपको ऐसा एलिमेंट लगाना है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो, बात समझ में आई कि नहीं, या जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। अभी रेजिस्टिविटी क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होता है, क्लास वन में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं। तो सुनो, रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर R को आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, रेजिस्टेंस बोलते हैं, सही है, और रो क्या होता है बताइए, रेजिस्टिविटी, जो कि क्या होता है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओनली मटेरियल पे डिपेंड करता है, बात समझ में आई कि नहीं। क्या करते थे हम लोग, एल की वैल्यू 1 लेते थे और ए की वैल्यू 1 लेते थे, यानी कि लेंथ 1 मीटर लीजिए, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना लीजिए 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो जवाब है रो। रो का मतलब रेजिस्टिविटी क्या होती है, एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस होता है, कब, जब आप किसी वायर का 1 यूनिट लेंथ ले लीजिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कितना कर दीजिए 1 यूनिट, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है, बस सिंपल। यानी कि सिंपल शब्दों में सोचो, ज्यादा दिल पे मत लो, जो रेजिस्टिविटी होगी अभी के लिए मान लो वही क्या है, रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है बच्चों किसी मटेरियल की, और रेजिस्टिविटी शब्द का इस यूज इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, बात समझ आएगी नहीं। जैसे कि आयरन की रेजिस्टिविटी अलग होगी तो आपकी ये नाइक्रोम की अलग होगी, निकल की अलग होगी तो आपकी नाइक्रोम की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, निकल की अलग होगी, बात समझ आएगी नहीं। तो ये चीज है, ये किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सुन लो सीधे शब्दों में कि रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस भी क्या है, ज्यादा है, अभी ऐसे ही सोच लो आप, ठीक है ना। तो अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है, जब वो एलिमेंट में से होकर गुजरेंगे तो ज्यादा टक्कर महसूस करेंगे, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लूज करेंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, हीट में, और वो एलिमेंट गर्म हो जाएगा, और उस हीट का आप कुछ यूज कर सकते हो, आप टोस्टर में यूज कर सकते हो उसका, आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हो, आयरन कर सकते हो, ये सारी चीजें, ठीक है ना।
अब उन्होंने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन, उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया आप ये बताइए कि जो कॉइल होते हैं ना इलेक्ट्रिक टोस्टर में, इलेक्ट्रिक आयरन में, कॉइल आप प्योर मेटल के क्यों नहीं बनाते हो, आप इसको एलॉय के क्यों बनाते हो। तो सीधी सी बात है बच्चों, आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल डेटा लिखा हुआ है, ये देखिए, ये रो ऑफ नाइक्रोम, मतलब हमने रेजिस्टिविटी लिखी है नाइक्रोम की, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की हमने लिखा 110 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम मीटर, ठीक है ना। और यहां पर देखिए आयरन की रेजिस्टिविटी कितनी लिखी है 10 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, निकल की कितनी लिखी है 6.84 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। ध्यान से चेक करिए बच्चों, सबकी जो 10⁻⁶ वाला चीज है वो सब में सेम है, तो आप किसको कंपेयर करोगे, इसके आगे जो नंबर लिखे हुए इसको कंपेयर करोगे। अब मुझे आप ये बताइए, आयरन क्या है प्योर मेटल, निकल भी क्या है प्योर मेटल, लेकिन नाइक्रोम क्या है प्योर मेटल नहीं है, वो एलॉय है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स है। तो ध्यान से चेक करिए नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी, तो बच्चों 110 है, सही है ना, तो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है नाइक्रोम की कि नहीं है बताइए, है, यानी कि ये जब इसमें से करंट पास करेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, जिससे ये ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, सही है, और हीट की ही तो आपको जरूरत है इलेक्ट्रिक टोस्टर में और क्या आयरन में, ठीक है। कैसे, एक फॉर्मूला आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था, एच इज इक्वल्स टू व्हाट, आई स्क्वायर आर टी, आई क्या होता था करंट, आर क्या होता था रेजिस्टेंस, और टी क्या होता था टाइम। तो चेक कर लीजिए यहां से, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, का मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस आ रहा है, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, सही है। तो ये चीज है, तो पहला कारण क्या है कि रेजिस्टिविटी हाई होती है किसकी, एलॉयस की रादर देन प्योर मेटल, ये पहला कारण है, रेजिस्टिविटी हाई होगी मतलब रेजिस्टेंस हाई है, मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, खत्म काम। अब दूसरी बात सुनिए जरा, केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब आप एलॉय बनाते हो बच्चों, ठीक है, तो एलॉय हम बनाते ही क्यों हैं, क्योंकि हमें ना, हमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए कुछ ना कुछ मेटल की, हमें कुछ ना कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए मेटल की। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं। अब देखिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बात समझिए, अगर हम बच्चों यहाँ पर आयरन का, अगर हम आयरन का यहाँ पर कॉइल बना लेते तो आयरन भी गर्म होता, हम मना नहीं कर रहे, आयरन भी तो हीट हो जाता यार, हो ही जाता जैसे तैसे, थोड़ा बहुत तो हो जाता, ठीक है। इससे ये 110 है, ये क्या है, ये 10 है, तो 11 टाइम्स कम ये हीट होता, बट हाँ चलो हीट हो जाता। लेकिन पता है जब ज़्यादा आप करंट डालते इसमें, सोचते लाओ इसमें और करंट डालें, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते, इसमें हायर पोटेंशियल डिफरेंस कर देते क्रॉस द ये जो भी आपका आयरन, तो ज़्यादा करंट इसमें जाती है, जब करंट ज़्यादा जाएगी तो हीट ज़्यादा जाएगी, चेक कर लो, हीट इज एक्टिव टू आई स्क्वायर, ऐसा कुछ कर सकते हो आप, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती बच्चों, तो आप ये तो चेक करो ना कि आयरन मेल्ट भी तो हो जाता, या फिर ऑक्सीजन तो आसपास है ही है ना, वातावरण में यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन कर लेता, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती, जिसको हम बोलते हैं बर्न हो गया, आयरन का कॉइल जल गया, ये सब हम बोल देते हैं साधारण भाषा में, या तो मेल्ट हो जाता या तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्न हो जाता। मेल्ट हो जाएगा तो कॉइल लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, खराब हो जाएगा प्रेस आपका। तो आपको क्या चाहिए, आपको दोनों चीजें चाहिए कि आपने यहाँ पे जो कॉइल यूज करी हुई मेल्ट नहीं होनी चाहिए। बच्चों सुन लो, मेल्ट नहीं होनी चाहिए का ये मतलब है कि जब हीट आए तो उसके जो बॉन्ड्स है ना, उसको बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाए, किसके बॉन्ड्स को, जो सारे एटम्स वहां पर हैं, देखिए कौन कौन से एटम्स हैं, निकल क्रोमियम मैग्नीज आयरन, इन सब एटम के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगी, एटॉमिक कुछ ना कुछ इनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होगी, केमिकल बॉन्डिंग होगी, वो टूट ना जाए कहीं। एलॉय में यही तो होता है, यही तो फायदा होता है एलॉय में, जब हम मिक्सचर कर देते हैं दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, तो स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग हो जाती है। अब उसको आप हीट खूब करते रहो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर पर उसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा बेचारा तभी तो मेल्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों एलॉयस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, तो मेल्ट तो ये होंगे नहीं, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या काम करना है, दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये रिएक्शन ना कर जाए, किससे, वातावरण में, यहाँ पे आसपास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, भाई आप कमरे में आयरन कर रहे हो क्या ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, बताओ यहाँ पर है क्या ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एलिमेंट के पास नहीं आ गए होंगे, बिल्कुल, जब हमारे आसपास हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स तो एलिमेंट के पास भी जा सकते हैं। तो एलिमेंट सोचो अगर मेटल का बना है और प्योर मेटल का, प्योर मेटल आयरन आपको पता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के Fe2O3 बना देगा, ठीक है ना, खराब हो जाएगा, बोलेंगे बर्न हो गया या फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन बच्चों ध्यान सारा चेक करिए, यहाँ सभी जो क्या नाम है आपके एलॉय में जो सभी एटम्स हैं वो आपस में ही कुछ ना कुछ बॉन्डिंग करके ऐसा कुछ ना कुछ बैठे हुए हैं एलॉय में, उनको फ्री होने का मौका ही नहीं मिलेगा। आयरन बेचारा फ्री ही नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कहाँ करेगा, मैग्नीज फ्री ही नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कहाँ करेगा, कोई भी बर्निंग या ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी,
कोई डाउट है? तो मेल्ट भी नहीं होगा, ऑक्सीडेशन या बर्निंग रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, बर्न नहीं होगा, और क्या बताया है, और इसकी रेजिस्टिविटी अलॉयज की हाई होती है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलेगी। यही हीट ही तो हमको चाहिए। अब यही दोनों पॉइंट आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब बच्चे पूछते सर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हम एग्जाम में लिखें? जी नहीं, ये आपको फील कराने के लिए हमने दिखाया हुआ है। आपको एग्जाम में ना तो डायग्राम बनाना, कुछ नहीं करना है, बस याद हो गया होगा आपको ये दोनों पॉइंट लिख देने। फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसकी, अलॉय की, वो प्योर मेटल से हाई और होती है। फिर बच्चों ब्रैकेट में एक रीजन भी आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि हायर रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। हाई रेजिस्टेंस विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट ऑन पासिंग करंट। जब हाई रेजिस्टेंस होगा करंट पास करेंगे तो चेक कर लीजिए हाई रेजिस्टेंस, तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। फिर सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट्स एन अलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर वहां हाई हो रहा है लगातार हीट प्रोड्यूस हो रही है लगातार हीट, तो हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी यहाँ पे जो होते हैं अलॉय में जो एटम्स होते हैं ना मेटल के, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, फ्री ही नहीं हो पाएंगे, तो रिएक्शन कहाँ करेंगे? तो कोई बर्निंग रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगी वहां पर, ठीक है ना। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो एलिमेंट आपका खराब हो जाएगा, सही ना। कह रहा है कि आगे पढ़िए, व्हेन इट इज रेड हॉट, जब वो एकदम रेड हॉट गर्म हो जाता है तब भी रिएक्शन नहीं होती, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि अलॉय डज नॉट मेल्ट रीडली, ठीक है, मतलब अलॉय जल्दी से मेल्ट भी नहीं होंगे बच्चों, ठीक है ना, बहुत मजबूत इसमें बॉन्ड होते हैं। लेकिन मैं आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ कि आपने घरों में देखा होगा जब आयरन पुराना हो जाता है हमारा तो खराब हो जाता है, बोलते हैं भैया इसका कॉइल बदलना पड़ेगा, याद है? वो क्या होता है बच्चों, डेली आप कर रहे हो, साल दो साल हो गया, इतना बेचारा हीट झेल चुका है कि उसके बॉन्ड वीक पड़ जाते होंगे। जब बॉन्ड वीक पड़ जाते हैं तो एक दिन कॉइल हम बोलते हैं जल गया, कॉइल जल गया, आप चेंज करना। जल गया का क्या मतलब है, जब यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं लगातार उसको हीट मिल रही है, डेली एनर्जी दे रहे हो उसको, लगातार हीट मिल रही लगातार उसको, तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे। ये एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से एटम्स ये सब फ्री होके ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगेंगे और कॉइल आपका खराब हो जाएगा, तो नई कॉइल डालनी पड़ती है, ठीक है ना। ओके, बहरहाल ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लीजिए।